डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। भारत और फ्रांस की दोस्ती के चर्चे तो आपने खूब सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको इसी का प्रमाण दिखाने जा रहे हैं कि कैसे भारत की मदद से फ्रांस नाटो देशों में शक्तिशाली बन गया और कैसे चौड़ी हो गई फ्रांस की छाती। दरअसल भारत ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट की एक बड़ी डील की। ये डील फ्रांस के लिए काफी ज्यादा लकी साबित हुई, क्योंकि भारत से जैसे ही फ्रांस ने डील की, वैसे ही फ्रांस को एक के बाद एक ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। और अब इसी कड़ी में यूरोप का एक देश है क्रोएशिया, जिसने फ्रांस से 12 राफेल फाइटर जेट खरीदने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उसने फ्रांस को दी जाने वाली रकम का भी ऐलान कर दिया। फ्रांस 24 के साथ साथ दुनिया के कई दूसरे मीडिया अखबारों ने भी इस बात पर मुहर लगा दी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्रोएशिया ने राफेल के लिए क्या ऐलान किया। दरअसल क्रोएशिया की तरफ से कहा गया है कि उसने फ्रांस से 12 राफेल फाइटर जेट चाहिए और इसके लिए वो 1 बिलियन यूरो की बड़ी रकम खर्च करेगा। 1 बिलियन यूरो यानी करीब 7 से 9 हजार करोड़ के आसपास। यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि 9 हजार करोड़ तो 12 राफेल फाइटर जेट के लिए सस्ती डील है, लेकिन जरा रुकिए, इसमें एक और बड़ा ट्विस्ट है। दरअसल भारत ने जो राफेल ली है वो हाई लेवल यानी उच्च श्रेणी के राफेल है, और जो क्रोएशिया खरीद रहा है वो उससे नीचे की श्रेणी के फाइटर जेट। क्रोएशिया ने कम लेवल का राफेल फाइटर इसलिए खरीदना चाहा क्योंकि उसकी आबादी भी काफी कम है, केवल 40 लाख के आसपास, और इसे इसके पड़ोसी देशों से भी कोई खतरा नहीं है। वैसे क्रोएशिया का फ्रांस से राफेल फाइटर जेट लेना कहीं ना कहीं फ्रांस के लिए गौर की बात है, क्योंकि क्रोएशिया ने बड़े बड़े शक्तिशाली देशों से फाइटर जेट लेने से मना कर दिया और फ्रांस के नाटो के अंदर अपनी अलग पहचान दिलवाने के लिए इसने राफेल फाइटर जेट को चुना। अब जब कई देश राफेल को अपनी वायुसेना की ताकत बनाना चाहते हैं, तो इसके पीछे की वजह भी तगड़ी ही होगी। इसके पीछे की वजह है इस फाइटर जेट की हाइक, और इस हाइक को बनाने में सबसे पहला नाम भारत का ही आता है, क्योंकि डसॉल्ट एविएशन ने कहा था कि भारत के राफेल लेने के कारण राफेल की बिक्री इतनी हाई स्तर पर पहुंची है। आलम यह है कि आज राफेल ऑर्डर को फ्रांस पूरा नहीं कर पा रहा। खैर, जब से भारत ने राफेल की डील की है, तब से न सिर्फ क्रोएशिया बल्कि इजिप्ट, कतर, ग्रीस, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, मलेशिया भी इसको खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।